ईशु के रूपों दा बदलाव। एक दूस ईशु है अपने तीन चेले पतरस, याकूब और यूना के अपने साथे नहीं है। ऐसा यूना नाव का चेला से आदमी ना थी जिन्हें ईशु के बपतिस्मा दे रहा थिया। से प्रार्थना कोनो करिए एक ऊंचे दारो पांदी होटे। जब ईशु प्रार्थना करी लोए थे तो तिसको मुंह सूरज के जिसनों चुमकी गो, तिसके खुटनों प्यासे के जिसने चिट्टे होए गुए, जिसने चिट्टे दौड़ती पांदी कुणे कोरिसो को तिंदे देवे ज्यादा चिट्टे। तबे मूसा और एलिया परमेश्वर की बातों बताने वाले देखिए। एजे मोरद ऐसे समय द उंडे सैकड़ों साल आगे रोया करो थिए। तीनों ईशु आरी तिसकी मौत के बारे में जी बातों कोरी जितु कैसे तावड़ाई यरूशलेम दा मोरे जांदा। जबे मूसा और एलिया ईशु आरी बातों कोरे लोई थी तबे पत्र से ईशु के बोलो उमर इथे रोनो अच्छो आमे तीन तुम्बू बणुबे, एक ताव करिए, एक मूसा करिए और एक एलिया करिए। पर पत्रस ने जानो थिया कि तेने का बोले लो। जब पत्र से बात करे लो थे तो एक चमकी ओंदो बादल देने आए बा तीन पांदी आए गो। तबे तो तीनवे बादलों परे से एक धाव देन दे बेसोने, तेने बोलो ऐजा मेरा बेटा असो जैसे अरी हाँ प्यार करू, हाँ ऐसे शे खुशी असो। ऐसकी सुनो सहजे तीन चेले डोरे गुए और जमीनो पांदी रेड़े गुए। तबे तो ईश्वर तीन के छुए और बोलो डोरिया ने उबे बीजो। जब तीनवे चौडो बोके देखो तो तीते ओके कुड़िया ने थी सिवाय ईशु मसीह के। ईशु और सहजे तीन चेले त्यों दार पोरे से पाछू उदे अवे। तबे तो ईश्वर तीनू के बोलो इबी जू किचे इथे हय रो तिथु कोसी कई ने बोलिया हाँ तावला मोरे जांदा और अट्टियों जीवंदी होय जांदा, तिथके बाद तुए लोगों के बताए सको। मत्ती अध्याय 17, मरकुस अध्याय 9, लुका अध्याय 9 पोरे से बाइबल की एक कहानी।